हर हर महादेव और आप मेरे पीछे देखिए रहे हैं बादल और मैं वेट कर रहा हूँ उनके आने का वो धीरे धीरे चल रहे हैं काफ़ी उनकी सांस ज़्यादा फूल रही तब तक आप वीडियो देखिए और ये देखिए वो नीचे देखिए बर्फ है जमी हुई ये फोन उतना क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन ये वाइट वाइट जो है आइस है और हम वहाँ से आ रहे थे वो लंगर था जो मैंने आपको इससे पीछे दिखाया था ये लंगर जहाँ हमने चाय पी थी फिर ये नीचे उतरा यहाँ फिर ये उतरा यहाँ फिर ये फिर ये नदी क्रॉस करते हुए ये आए इस पर इस समय इतने ऊंचाई पे हैं आप देख सकते हैं है तो बहुत ही अच्छी जगह श्रीखंड महादेव यहाँ के सुख शांति एकदम आराम से रिलैक्स कोई पॉल्यूशन नहीं कोई नहीं एकदम शुद्ध नेचुरल फुल्ली ग्रीनिश इन्वायरमेंट हम अब चढ़ के इसके ऊपर जाएंगे वीडियो में बने रहिए आपको ऊपर भी ले चलते हैं अब ये श्रीखंड महादेव की ओर जाते हुए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए आपको पूरी यात्रा और लका... ऐसा लगेगा कि मैंने खुद की है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन उसके लिए पूरी यात्रा आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रैक ही चार पाँच दिन का है यात्रा जो होती है ऐसे देखिए चलते हुए जाएंगे वो ऊपर से बंदे आ रहे हैं तो ऐसे जय भोले ऐसे जाएंगे हम ऊपर और ये देखिए ये नीचे से आए चल के वहाँ आ रहे हैं वहाँ से बंदा वो पतले पतले दिखाई दे रहे होंगे ये देखिए ये आ रहे होंगे इसमें नहीं मक्खी की तरह बहुत दूर है काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग जय भोले हर हर महादेव और चलिए आपको ले चलते हैं और ऊपर महादेव के पास मेरे से हर महादेव जय शंभू, श्रीखंड महादेव की जय जै। और जैसा देखते हैं आप ये निशान ये आपको हमेशा मिलेगा लेकिन जब आप विदाउट यात्रा मतलब विदाउट जल्दी आएंगे जल्दी विदाउट पर यात्रा परमिशन के जिसमें बर्फ़ से ढका रहता है ये और ये ऐसे हम ऊपर जाएंगे भोले भोले जय भोले, 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 भोले महादेव